हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 4 जनवरी 2022। 4 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान देश के ऑलराउंडर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हफीज के संन्यास की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने ट्वीट कर दी है। हफीज ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच T20 विश्व कप 2021 में खेला था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 12,780 रन बनाए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मोहम्मद हफीज। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडीज को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपये की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपये की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जो 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2,080 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। उन्होंने लगभग 3 दशकों से लंबित रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला भी रखी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर याद रखें। केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार त्रिपाठी जी को। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने मंजूरी दे दी है और वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदाना को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों को घोषणा कर दिया है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है स्मृति मंदाना जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बन गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की ऐसी पहली कागज रहित अदालत बन गई है जहाँ पे कागज़ यानी कि वहाँ पे कागज़ रहित अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया है। DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज़ रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त
राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। चलिए आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हल्लेकर जी, कैपिटल शिमला। फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार जी, फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती जी। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। बात करें फोक डांस की तो नाटी, स्टेट बर्ड है जजुराना, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और इंद्र किला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूडान देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक को सूडान की सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक चेहरा माना जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 लाख रुपए या इससे कम मान लिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए या उससे कम बनाए रखने के 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में पढ़े भारत अभियान को किसने लॉन्च किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है। पढ़े भारत अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए शुरू किया गया है। आप लोग जरूर याद रखें धर्मेंद्र प्रधान इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। KSLV-2 नूरिस रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल KSLV-2 नूरी रॉकेट एक ढीले हीलियम टैंक के कारण विफल हो गया है। इस रॉकेट के सभी 3 चरणों ने काम किया। इसे 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया है और 1.5 टन पेलोड सफलतापूर्वक अलग किया गया है। यह मिशन विफल हो गया क्योंकि तीसरे चरण के इंजन ने निर्धारित समय से 46 सेकंड पहले काम करना बंद कर दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2022 तक के लिए। केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। इससे पहले दिसंबर 2021 में जिलों, उपजिलों, तालुक, तहसीलों, पुलिस स्टेशन आदि की सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम देश ने। यूके सरकार ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है जो युवा लोगों पर वयस्क धूम्रपान करने वाले के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस अभियान ने धूम्रपान करने वाले से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया है। इस अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं, उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। चलिए चलते हैं, पिछले दिन के वन लाइन इंटरफेस को रिवीजन कराते हैं। बात करें बेल्जियम देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद रखने यानी बंद करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल जी को नियुक्त किया गया है। बात करें नॉर्वे देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हाल ही में पाकिस्तान देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है। बात करें मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। बात करें आलिया भट्ट को पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। आईडीपीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा जी को आर्म बॉर्डर फोर्स यानी सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। AICTE की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में IIT मद्रास संस्थान को तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन था, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, क्विंटन डीकॉक ने। क्वेश्चन टू था, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने % करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 31%। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन टू है, कौन सा भारतीय विकेटकीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बन गए हैं? दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में कहना चाहूँगा, आप हमारे PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।